हेलो फ्रेंड्स, सगुन ब्यूटी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको गले का डिजाइन सिखाऊंगी। आप इसको गले पे भी लगा सकते हो, बाजू पे भी और पैंट पे भी। उसके लिए हमने ये अपना कमीज काट लिया है और गला भी काट लिया है। ये हमने पट्टियाँ काट ली हैं जो हम गले के डिजाइन के लिए लगाएंगे ना, उसके लिए। इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच, डबल करके 1.5, वैसे 3 इंच है, ये हमने डबल कर रखा है तो 1.5 इंच है। ये हमने पटिया काट ली है और ट्रेंगल के लिए भी हमने पटिया काट, ये अपनी छोटी छोटी पट्टी काट ली है, 2 इंच चौड़ी और 2 इंच लंबी। और हमने एक और ये कपड़ा ले लिया है जिस पे हम डिजाइन बनाएंगे। अब हम इसका बीच निकाल लेंगे ऐसे। ये हमने अपना बीच निकाल लिया है। अब हम सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, ऐसे करके और ऐसे। सबसे पहले हम अपने ट्रायंगल तैयार कर लेते हैं। ऐसे कोने से कोना मिलाएंगे और ऐसे करके इसमें मशीन लगा देंगे। ऐसे ही हम अपने सारे ट्रायंगल तैयार कर लेते हैं। ये हमने अपने ट्रायंगल तैयार कर लिए हैं। अब हम ट्रायंगल को ऐसे बीच में रखेंगे जहां पर हमारा बीच निकाल रखा है ये, ऐसे। और इसको ये हमने डबल कपड़ा कर रखा है यहाँ पे, और इसको ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे रख के बीच में। अब हम जो ये पट्टी है ना, इनको ऐसे रख देंगे, फिर एक पट्टी को ऐसे और फिर दूसरी पट्टी को इसको ऊपर ऐसे रख देंगे, ऐसे, और मशीन चला देंगे। ये हमने देखना बीच से अच्छे से निकल जाए ऐसे। आप जितना मार्जिन रखना चाहो उतना मार्जिन रख लेना। एक पैर का रखते हुए ऐसे चला देंगे हम मशीन। ऐसे हम एक पैर का रखते हुए इसके ऐसे मशीन चला देंगे। ऐसे मशीन चला देंगे। अब हम अपना दूसरा ट्रायंगल रखेंगे। इसमें ऐसे ऐसे रखते हुए और इस पट्टी को फिर ऐसे रखेंगे। आप जितना दिखाना चाहो उतना दिखा सकते हो ऐसे, और फिर इसको ऐसे। एक जैसी हमने पट्टी दिखानी, ये वाली भी और ये ट्रायंगल भी। हमने ये मशीन उतनी चलानी है जितनी दिखे ना बाहर। ऐसे और फिर ऐसे। फिर ऐसे ही हम ट्रायंगल को फिर रखेंगे। ऐसे रखेंगे और बिल्कुल बीच में रखेंगे ताकि हमारे एक जैसे दिखाई दे। और फिर ऐसे ही हम
फिर से मशीन लगा देंगे इस पे, ये गैप एक जैसा रखेंगे। ये गैप है एक जैसा रखते हुए फिर इसको ऐसे ही रखेंगे, गैप भी एक जैसा रखेंगे, मशीन भी एक जैसे चलाएंगे। ऐसे ही हम पूरी पट्टी तैयार कर लेंगे अपनी। ऐसे ही हम अपने सभी डिजाइनों को ऐसे लाते जाएंगे और बराबर बराबर पट्टे निकालते हुए ऐसे। दबाते हुए पट्टियों को ऐसे बराबर रखेंगे, लगाते जाएंगे ऐसे। और ये मशीन इतनी चौड़ी लगाएंगे ताकि हमारी दूसरी यहाँ पे मशीन लगे ऐसे। फिर ऐसे ही ट्रायंगल रखेंगे, ऐसे ट्रायंगल रखेंगे और फिर ऐसे अपने फिर से लगा देंगे। ये आप किसी चीज पे भी लगा सकते हो, बाजू पे भी लगा सकते हो, गले पे भी लगा सकते हो, पैंट की मोरी पे भी लगा सकते हो। अब हम दूसरी पट्टी को भी ऐसे ही रख लेंगे। एक बराबर जगह छूटते हुए ये हमारा डिजाइन बनके हो गया तैयार। अब जो हमारी पट्टी की इक्वल मशीन लगा, ये हमारी पट्टी बनके हो गई है तैयार और ऐसे ही यहाँ पे मशीन लगा दिए। और जो बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे ऐसे। इसको आप किसी में भी लगा सकते हो, बाजू पे भी लगा सकते हो, गले पर भी लगा सकते हो। अब हम इसके जो ये बीच में लगाना है डिजाइन उसके लिए कटिंग कर लेते हैं। ऐसे 1.5 इंच रखते हुए जितना हमारा डिजाइन रखना है अपने उतना डिजाइन रख के ऐसे 5.5 इंच और कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से भी 1.5 इंच रखेंगे ऐसे। ये हमने कर लिया कटिंग। अब हम इसको ऐसे लगा देंगे डिजाइन को अपने को ऐसे करके। और यहाँ पे जितना आपने दिखाना है उसके अनुसार ऐसे लगा देंगे ऐसे करते हुए। दोनों साइड में एक जैसा निशान लगा लेते हैं, बीच रखते हुए इसका, उधर भी 1.5 और उधर भी 1.5 ऐसे। 3 इंच दिखाना तो हमने, और इसको ऐसे सीध में लगा लेंगे निशान। यहाँ पे हमारी मशीन आएगी ऐसे।
इसको हम ऐसे रखेंगे।